न्यास की टेस्टामनी से पहले आपको बताना चाहता हूं कि टेस्टामनी हमारे जीवन में कितनी, हमारे जीवन का टेस्टामनी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। हाँ, क्योंकि गवाही से ही हर एक इंसान परमेश्वर की सच्चाई को समझता और उसे जानता है। हाँ, क्योंकि जब कोई भी इंसान नया आता है तो उसे नहीं पता कि वो कौन है। वो तो सिर्फ एक अपने काम के लिए आया है। क्या आया है? सिर्फ अपने काम के लिए। मैं आपको बताता हूं, बॉम्बे से एक फैमिली है जो हमारे पंजाब इसी अमृतसर शहर में, उसकी सिस्टर है और वो बॉम्बे में रहती है। तो उसके हस्बैंड को कोरोना हो गया। क्या हो गया? हो, और उसकी हालत इतनी सीरियस है, आज कम से कम उसे चार पांच रोज हो गए और जो उसकी ऑक्सीजन है वो सिर्फ 60 रह गई। कितनी? 60, मतलब 60%। और डॉक्टर बताते हैं कि सही ऑक्सीजन जो हमारे हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो 98 चाहिए। कितनी? 98, मतलब 98% वो चाहिए। कितनी? और उसकी सिर्फ 60 है, 60% है। और अभी डॉक्टर से बोल रहे हैं कि अगर इसकी ऑक्सीजन आगे ऊपर नहीं गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, नहीं तो फिर इसके ऐसे नाक के राही एक पाइप डालनी पड़ेगी जिसके जरिए ये सांस ले, इसको ये ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। हाँ, तो भी इस बात को लेकर वो फैमिली बहुत नर्वस थे, बहुत परेशान थे। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको क्यों बताया कि गवाहियां जो टेस्टामनी है ये हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, समझते हो? और आज से कुछ महीने पहले वो सिस्टर ने इसलिए इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी कि उसकी बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? उनकी एज भी काफी होगी, उन्होंने काफी रिश्ते इधर उधर देखे पर मतलब उनकी शादी नहीं हो रही। तो उसकी वजह से वो परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने पहले उसने अपनी सिस्टर से बात की और उसने हमारे बारे बताया कि नहीं, परमेश्वर बहुत सारे काम करता, आप प्रार्थना कराओ, क्या हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। हाँ, खाली क्या करो, आप भी प्रार्थना कराओ, आपका काम हो जाएगा। हाँ, और उन्होंने सिर्फ इसीलिए इस मिनिस्ट्री में कॉल की कि हमारा काम हो जाए। क्या हो जाए? पर मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूं। देखो, परमेश्वर इस दुनिया का बनाने वाला, उसकी चाहत है पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए कि सब मनुष्य क्या जाए, बचाए जाए, क्या जाए और मेरे सत्य के ज्ञान तक पहुंचे। किस कहां तक पहुंचे? मेरी, मैंने जो अपना ज्ञान, जो मैंने अपनी सच्चाई इसमें दुनिया में दी, वहां तक इंसान पहुंचे। पर बहुत सारे, मैं अभी आपको बताता हूं कि 75% लोग, हाँ, जो चर्च में तो आ गए पर प्रभु में नहीं आए। 75 लोग, हाँ, जैसे मान लो 100% लोग हैं, अगर मान लो हम ऐसे अनुमान लगाते हैं कि 100% लोग हैं मसीह में, पर मैं आपको बताता हूं कि 75% लोग हैं जो सिर्फ चर्च में आए, अभी मसीह में नहीं आए। क्योंकि चर्च में किसी को भी लाना आसान है पर मसीह में बनाना क्या है? चर्च में तो सब आ सकते हैं ऐसे, पर मेन है मसीह में आना। चर्च में तो आगे वो अपनी, किसी ने बताया आपका ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करो, वैसे करो, आप विश्वास करो, उनसे प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो। पर मैं जब लोगों को मिलता हूं और मैं जब देखता हूं लोगों को, कई लोग बोलते हैं हमें 10 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, हमें इतने साल हो गए। मैंने पूछा प्रार्थना करते? यस, हाँ, क्यों नहीं करते जी? हाँ करते हैं जी। और उनसे पूछो, जब मैं उनसे पूछता हूं सत्य क्या है बताओ, फिर हाँ परमेश्वर की पहचान बताओ, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, बहुत सी ऐसे कुछ, हाँ, जैसे पाप क्या है, पाप की डेफिनेशन क्या है, ऐसी जब मैं पूछता हूं लोगों को, कहते हमें नहीं पता। मैं कहता हूं फिर आप प्रार्थना क्या करते हो?
मैं हैरान हो जाता हूँ लोगों से कि ये क्या प्रार्थना करते होंगे अगर इन्हें ये नहीं पता पाप क्या है। अगर वो, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही, जैसे अभी तो लॉकडाउन है तो सब लोग नहीं आ सकते, हा? तो मैं ऐसे कुछ लोगों से मीटिंग करता हूँ जो नए लोग थे अभी आ रहे थे। मैंने बताया था ना कि ये लॉकडाउन नए लोगों के लिए शैतान का एक बड़ा हथियार है, हा? समझ रहे हो? और मैं ही परमेश्वर की आत्मा से, जो लोग नए हैं जहाँ कुछ हालातों में, उनसे मीटिंग करता हूँ और मैं बताता हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले मीटिंग की एक लोगों के साथ और मैंने उनसे ऐसे कहा, जब मैंने पूछा तो कि लोग बोलते हैं हमने इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, और जब मैं पाप के बारे पूछता हूँ पाप क्या है तो कुछ नहीं पता। हाँ इतना पता है पाप है, पाप है, हाँ यीशु मसीह पापों के लिए मरा, हाँ? पर जो उसकी डेफिनेशन है उसके बारे नहीं पता। अब मैं पूछता हूँ प्रार्थना, हाँ जी करते हैं तो कैसे होगा? मैं एक चीज, आप, मैं क्यों ये चीज बता रहा हूं कि बहुत से 75% लोग मसीह में, मतलब चर्च में आ गए मगर मसीह में नहीं आए। अभी मसीह में आना है कुछ और होता है, हा? इसलिए ये जो अभी बॉम्बे से जो सिस्टर है, अभी इसके हस्बैंड को कोरोना हो गया और इसकी ऑक्सीजन सिर्फ 60% है। कितनी है? 60%। तो अभी कुछ महीने पहले ये इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी, हा? और हमने जो चीजें बताई वो अपने धर्म में रहकर जो अपनी धार्मिकता करती वो भी साथ साथ कर रही थी और यीशु पर भी विश्वास कर रही थी, हा? साथ साथ जो जिस धर्म से वो बिलोंग कर दी है, जिस, हा? वो भी चीज साथ साथ और मसीह में भी साथ साथ विश्वास कर रही, क्या कर रही थी कुछ महीने पहले। और अभी अभी पवित्र, अभी अभी हमारी टीम ने, बच्चों ने उन्हें गाइड किया, समझाया, तो अभी वो 60 से उसकी ऑक्सीजन बढ़ रही है। पर मेरी आत्मा में कल मैंने उनसे बात की, मैंने इनसे कहा मेरी बात कराओ उनसे, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आप, मैं उससे बात करूं। और मैंने, परमेश्वर ने मेरे मन में लगाया कि वो, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बहुत सारे लोग चर्च में आ गए पर मसीह में नहीं आए, चर्च में आ गए और मसीह में नहीं आए। और मैंने कुछ चीजें उनसे पूछी कि आप ठीक है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, किसी का जीवन बचना, कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है किसी की, हाँ क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। पर अगर उन्होंने इस चीज को अच्छे से नहीं समझा, उस खुदा को अच्छे से नहीं जाना, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे ही, मतलब उनके जीवन में काम नहीं होता, वो छोड़ जाते हैं, हाँ यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं कभी, हाँ बहुत सारे लोग तो ऐसे भटकते रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, पक्के खेत बहुत है मगर सिखाने वाले, समझाने वाले उनको कम है। लोग दुनिया बहुत है पर सिखाने वाले कम है, उन्हें समझाने वाले कम है। सो इसलिए कल मेरे मन में आया तो मैंने कुछ चीजें जब उनसे पूछी तो कुछ नहीं, अभी भी, अभी पहले उसकी बेटी इनसे बात कर रही थी, हमारे बच्चों से, टीम से, और कल भी उसकी बेटी, मैंने कहा तेरी मम्मा कहाँ है, वो कहते हैं उनका, वो बहुत एब्सर्ट है इस बात को लेकर, वो बात नहीं करना चाहते। अरे मैंने मैंने कहा कैसे बंदे हो भाई, अरे हमने, हम कोई फ्री नहीं है, आपके भले के लिए हमने आपको कॉल की है ताकि आपके पति का जीवन बच जाए, हाँ। जब उसने फिर अपनी मम्मा से बात कराई तो मैं ये बात मैंने फिर कहा, मैंने कहा मैं, हम तो आपके भले के लिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि वो ऐसे नाश ना हो जाए ना, जैसे परमेश्वर चाहता है। अगर खुदावंद ने मुझे चुना है, जन जो जो बच्चे मेरे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज है, ड्यूटी है कि हम लोगों को चिताएं, जैसे बाइबल में लिखा उन्हें सिखाएं। तो वो कहती मेरा मन बड़ा अपसेट है, मैंने कहा ऐसे फिर हो जाएगा काम, हम तो आपके भले के लिए भाई आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें लिख कर दिया कि मैं कभी भी अपनी महिमा किसी खुदी हुई मूर्त को नहीं दूंगा। ऐसे बहुत से लोग आए मसीह के पास पर वो चर्च में, जैसे मैंने चर्च में आए पर मसीह में नहीं आए, पर पूरी तरह ना आने की वजह के कारण उनके काम नहीं हुए, बहुत से लोगों की डेथ होगी, मौत होगी, वो पीछे चले गए, बीमार हो गए, पता नहीं चंगे हुए कि नहीं हुए, समझते हो, समझ आ रही है? इसलिए
कुछ चीजें थी जो वो चाहते तो थे कि मेरा पति अच्छा हो जाए, पर जिस चीज से परमेश्वर उसे अच्छा करना चाहता वो नहीं कर रहे। मतलब पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। हाँ ठीक है, मतलब ये भी धर्म है, ये भी खुदा है, वो भी खुदा है, ऐसे करके विश्वास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और ऐसे करने से मैं जानता हूं कि नहीं होगा। इसीलिए क्यों परमेश्वर ने कहा, हाँ यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर की भी चाहत, और यीशु मसीह ने भी कहा सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। किसे जानो पहले? सत्य को जानो, सत्य को, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हाँ और जितने लोग इस सत्य को जानते हैं और समझते हैं, मैं जानता हूं कि वो कभी भी नर्वस नहीं होते, घबराते नहीं है किसी भी हालात को लेके, फिर वो परेशान नहीं होते। उन्हें पता है कि मैं, मेरा परमेश्वर कौन है, इस दुनिया को बनाना वाला, बनाने वाला, और उसने मेरे लिए क्या किया। हाँ और उसने मुझे कौन सा नियम दिया जिससे करने से मेरे जीवन में हर चीज हो सकती, ये सच्चाई क्या है। अब मैं चीज क्यों बता रहा हूं कि इसलिए मैं कहता हूं कि 75% लोग चर्च में आए अभी मसीह में नहीं आए। सिर्फ 25% है लोग जो सिर्फ मसीह में, जो उसकी, जिन्हें पता है कि मसीह में कौन सा जीवन है। हाँ मसीह में कौन सा जीवन है, समझते हो? और मसीह में परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो कैसे काम करता है, हमारी कैसे सुनता है, कैसे हमारे साथ रहता है। हाँ क्योंकि उसने हर चीज अपने वचन में लिख कर दी। क्या दी? हर चीज लिख कर दी। पर 75% लोग, अभी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के स्वर्ग, उसकी राज्य के बारे नहीं पता। हाँ क्यों, हमें कौन सा जीवन देने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। हाँ बहुत से लोगों को अभी यह भी नहीं पता कि उसमें कौन सा जीवन है, क्योंकि उसमें अनंत जीवन है। कौन सा जीवन है? अनंत। अनंत मतलब जिसे हम बोलते हैं सत्यपिक, सदा काल का जीवन, इस जीवन के बाद भी जीवन। जैसे संसार में जो संसार की धार्मिकता करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चीज करते हैं कि उन्हें पता है कि जिस चीज करने से जो हमारी रूह है वो बचाई जाए, और कहां पे चले जाए हम, उसके सचखंड में, उसके स्वर्ग में। पर यीशु ने आके लोगों को बताया कि जीवन सत्य और रास्ता मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भी वहां पे जा नहीं सकता। अभी है नहीं दीवार और नहीं है, रास्ता कोई और नहीं है। क्या नहीं है? रास्ता और नहीं है, केवल सिर्फ यीशु है। यीशु ने कहा मैं हूं जीवन। क्या हूं? जीवन में मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, रास्ता भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, समझते हो? तो अभी उसके उसके नाम के अलावा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। पर लोग स्वर्ग जाने के लिए अलग अलग तरह की धार्मिकता, अलग अलग तरह के प्रोसेस चीजें करते हैं कि हम वो चीज करके कहां पे चले जाएं, पर नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। इसलिए ऐसे ही जो संसार के लोग, ऐसे ही 75% लोग जो मसीह में नहीं, चर्च में आए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मसीह में अनंत जीवन है, सत्यपिक जीवन है, जिसकी हमें तैयारी करनी है। क्या करनी है? और उन्हें कुछ नहीं पता क्या तैयारी है, क्या करना उसमें। हाँ समझती हूं, समझ आ रही है? इसलिए ये चीजें मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ताकि हर एक बंदे के अंदर ये सच्चाई, ये सच उसके अंदर होना चाहिए। हाँ कि मैं अगर मसीह में आ गई हूं, आ गया हूं, तो मुझे ये अभी जैसे प्रेजेंट समा, ये वर्तमान काल जिसे समा, ये चल रहा समा जैसे बोलते हैं। हाँ तो अभी इस समय में तो परमेश्वर मुझे क्या है, इस पृथ्वी पर जो मेरा जीवन है, तो वो मेरे जीवन में हर चीज क्या करेगा, पूरा करेगा, मेरे हर प्रॉब्लम से, मुझे दुख से छुड़ाएगा। हाँ पर कैसे छुड़ाएगा? पहले उसकी सच्चाई को समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ समझते नहीं है, और वो आ तो गए, धन्यवाद है यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर आपका, ऐसे तो कर रहे हैं। मैं सच्ची कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ये बात सत्य है, क्योंकि मैं लोगों से मिलता रहता हूं ऐसे लंबे समय से, जो प्रभु में अगर कुछ नहीं पता कौन सी आज्ञा है, नियम क्या है, हाँ परमेश्वर ने हमें कौन सा जीवन दिया, कौन सा अधिकार दिया, किस चीज से छुड़ाया उसने, बचाया हमें, बहुत सी ऐसी चीजें जो लोगों को मालूम नहीं, पता नहीं, समझ रहे हो? पर परमेश्वर खुद चाहता है
और मेरी भी यही चाहत है कि परमेश्वर हर एक बंदा जो चर्च में आ गया है वो पूरी तरह मसीह में आ जाए। आमीन। जो चर्च में आ गया पूरी तरह किस में आ जाए? मसीह में आ जाए और उसका जीवन का प्राण बचाया जाए। क्या जाए? जीवन का प्राण। इसीलिए प्रेरित पॉल ने कहा मसीह में जीना तो लाभ है, मरना भी क्या है। हाँ, अभी लोगों को 75% मसीह लोगों को इस बात का नहीं पता। क्या नहीं पता? ऐसे प्रेरित पॉल कहता है कि जी तो करता है, कुछ करूं और कहां पे जाके रहूं, ऐसे मन करता है मेरा। क्या करता है? इस दुनिया को छोड़कर कुछ कर जाऊं और कहां पे जाकर रहूं। समझ आ रही है? पर कहता है कि जीना मेरे लिए और भी लाभ है। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था वो जानता था कि मेरी मुझे क्यों खुदा ने चुना है। हा? आपने कभी, इसलिए बाइबल बताती है कि अपनी बुलाहट पर क्या करो, आपने कभी नहीं सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। हा? वो क्या चाहता है? हा? इसलिए पॉलस कहता जी तो करता है पर जीवित रहना क्या है। मेरी बात सुनो सारे उन लोगों को जो करते हैं, आप ध्यान से सुनो सब जितने इस मीटिंग को देख रहे हैं और जो लोग आज कुछ आए हैं, सुनो ध्यान से। तो अभी वो कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं वहां पे रहूं, पर जीवित रहना मेरे लिए लाभ है क्योंकि जो काम खुदा ने मुझे दिया है, हा? और लोगों को बचाने का, इसलिए मैं, हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं किसका सत्य बताऊं, किसकी सच्चाई बताऊं, तो इसलिए मेरा जीवित रहना लाभ है। हाँ, पर मरना उससे भी क्या है? लाभ है। समझ आ रहे हो? तो इसलिए ये चीज बहुत से लोग अभी जानते नहीं। क्या नहीं है? ये बहुत से लोग इस बात को, इस सच्चाई को अच्छे से नहीं जानते। हाँ, जैसे उसने कहा मसीह में जीना तो लाभ है पर मरना भी क्या है? लाभ है। इन बातों का भी लोगों को पता नहीं। क्या है? पता नहीं, क्योंकि जैसे अभी महामारी के कारण, इस कोरोना वायरस की बीमारी के कारण ये लॉकडाउन हो गया, चर्चेस बंद होगी। क्या होगी? चर्च बंद होगी और अभी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो भी लोग घरों में, क्या है, लोग घरों में। और मेरा विश्वास है कि जितने इस मीटिंग को अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, परमेश्वर आज द्वारा उन्हें बहुत ब्लेस करेगा, उनके जीवन से हर प्रॉब्लम को, दुख को दूर करेगा और उन्हें घर बैठे ही आशीष भी करेगा। आमीन।